नमस्कार आप सभी को। डी टी प्लस बी एक एंटिटी की एग्ज़ाम के लिए क्लासेस आपके 28 सितंबर से शुरू हो चुकी है। यूट्यूब पर आप बिल्कुल आज से डेली सेशंस ले सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जो बच्चे जो हैं वो किस उम्र में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और इस तरह से बिल्कुल सीधा सा प्रश्न आपका कर लिया जाता है इन्हीं में से। और ये आपका ऑथेंटिक डेटा इंग्लिश में है, हालांकि मैं बिल्कुल हिंदी में समझाती हुई चलूँगी, जैसे कि आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। हिंदी में भी मैंने ये PDF शेयर किया हुआ है, हालांकि ये वाला एकदम हिंदी में नहीं है, बट एक दूसरा PDF है जो भी आपका ऑथेंटिक डेटा ही है। लेकिन मेरी माने तो आप इसमें से जो डेटा आपको मिले उसको आप ज़रूर जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं सीधा कॉपी करके। और ये मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, काफ़ी बच्चों ने ये ले रखा है, तो वो भी अगर आप नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, बाकी मैं इसमें समझा दे रही हूँ। और इसमें बिल्कुल एज इट इज़ इस PDF में से ही काफ़ी सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं पहले, जैसे ये फंक्शनल प्ले जो आपके होते हैं इस तरह के, तो प्ले कितने टाइप के होते हैं, ये सभी हम वीडियोस में देखेंगे। बाकी आप इस PDF में भी हर एक चीज़ देख सकते हैं, आपको MCQ नहीं मिलेंगे बट डेटा आपको इस चीज़ में या फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो पहली चीज़ हम देखें, जैसे कि यहाँ पर बात की गई है कि बच्चा जो है भाई जन्म से 3 महीने का जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकता है, 3 महीने की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बच्चा जो है 3 महीने का जब तक होता है तब तक अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है। मेन चीज़ यहाँ पर आ गई है, तो एक चीज़ ये समझ लीजिए सेंसेस उसकी क्या होती है। 5 उनकी ज्ञानेंद्रिया, जिसमें कि हम आँख नाक, ये आपकी उसकी जीभ और कान हाथ, ये इनकी ज्ञानेंद्रिया होती है। पियाजे ने भी ये कहा है, उसकी जो सेंसरी मोटर स्टेज आपकी जो 0 से 2 गई है उसमें वो अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है, ठीक है, 0 से 2 की एज में। अब ये आपके मेन है, ऐसे ही आपका पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी में हो जाएगा। अब इनमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चा स्माइल कब करना शुरू कर देता है, बिगिन टू स्माइल, ऐसे अगर आपको पूछ ले तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि बच्चा 0 से 3 वाली जो उसकी स्टेज होती है उसी में बच्चा जो है स्माइल करना सीख लेता है। तो ये आप नोट कर लीजिए और बिल्कुल और ऑथेंटिक है। आगे अगर कोई प्रश्न आ भी जाता है उसमें अगर सेम नहीं होता, डिस्क्रिपेंसी हो जाती है उसमें, भाई ऑप्शन नहीं है, गलत दिया गया है, तो आप इसके थ्रू भी उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो पहला तो चीज़ ये हो गई, और ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ, बाकी भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है एक तो चीज़, और बाकी भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं 4 से 6 की एज में, हालांकि ये चीज़ तो आप इसको याद करने के बाद समझ सकते हैं क्योंकि आपने एंटिटी कर रखी है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा इग्नोर भी कर लीजिए, बाकी पढ़ सकते हैं अगर टाइम है तो कर लीजिएगा। बाकी मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये आपका है 4 से 6 महीने का जो बच्चा है वो तो स्माइल तो करता ही है साथ में ज़्यादातर। इसमें इम्पॉर्टेंट आपका कह सकते हैं कि हाँ बच्चा, ये जो आपका ऑप्शन है कि बच्चा पकड़ सकता है ऑब्जेक्ट को, मतलब बिना जो आपका थंब है मतलब अंगूठे के बिना भी बच्चों जो है पकड़ सकता है, ये कौन सी एज में, ये आपका है 4 से 6 की एज में, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, लाफ, गगल, इमिटेट साउंड, साउंड को इमिटेट कर सकता है, एक आपका ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पर एक और है, रिपीट एक्शंस विथ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, जैसे कि कोई बच्चा है भाई इस तरह से कोई भी अपन गाना गा रहे हैं तो बच्चा हंस रहा है, फिर हम पर वापस वही गाना गाएंगे या फिर इस तरह से कुछ एक्ट करेंगे तो हंस रहा है, तो बच्चा उस चीज़ को रिपीट करता जाता है। तो वो कौन सी एज में होता है बच्चे की, 4 से 6 महीने की एज में। तो इन कीवर्ड्स को आप ध्यान रखें। अगले हम देखते हैं 7 से 12, ठीक है। बच्चा है रिमेंबर सिंपल इवेंट्स, कुछ एक इवेंट्स को बच्चा याद रख सकता है। और अगला है यहाँ पर, हाँ, आइडेंटिफाई देमसेल्फ बॉडी पार्ट्स, फैमिलियर वॉइसेस, जैसे कि जो बार बार सुनी गई उसकी जो आवाज़ें हैं उनको आप पहचान सकता है, और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको पहचान लेता है, कौन सी एज में, ये आपका कर लेता है 7 से 12 की एज में। तो इनको आप अच्छे से देख लें, याद कर लें भाई कौन सी एज में बच्चा क्या कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक और है इम्पॉर्टेंट कि बच्चा जो है पहला कोई मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर बोलता है, कौन से, ये बोलता है 7 से 12 की एज में। अगला हम चलते हैं यहाँ पर,
वही उसमें यही है, सिटालोन बच्चा अकेला बैठ सकता है, और ये वाला भी आपका 7 से 12 में अकेला बैठ सकता है, तो उसमें 7 से 12 में आ जाएगा। अगला जो है 1 से 2 साल के बीच में, तो बच्चा क्या कर सकता है, इमिटेट एडल्ट एक्शंस, कोई दूसरा जिस तरह से कर रहा है वैसे ही उसको नकल करके दिखा देगा। ये आपका कौन सी एज में है, 1 से 2 साल की एज में। दूसरा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैं अगर कहूँ तो ज़्यादातर पूछा जाता है, हाँ बच्चा जो है एक आपका वॉक कर सकता है, स्टेयर्स आपके सीढ़ियों पे चढ़ सकता है, भाग सकता है, तो वो आपका इसमें है। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा और बार बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए और ध्यान रखिए इनको, ठीक है। और डेवलप फ्रेंडशिप्स, तो वो भी आपकी 1 से 2 के बीच में शुरू होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर है आपकी 2 से 3 साल की एज में, फिर आपका आ जाएगा एंजॉय लर्निंग न्यू स्किल्स, बच्चा जो है अगला है गेन कंट्रोल ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स, तो ये किस पे कंट्रोल आपका आ जाता है 2 से 3 साल की एज में, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये जो पूरा जो हमने है देखा 2 से 3 साल तक का, यहाँ पर अब है आपका 3 से 5 वर्ष का, ठीक है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिए हुए हैं उनमें से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछ सकते हैं कि लर्न लैंग्वेज रैपिडली, तो 3 से 5 साल यहाँ पर आप करेंगे टिक, ठीक है। आई थिंक इसमें आप अगर पढ़ लेंगे या फिर देखेंगे तो सारे ही आप इसमें टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके 3 से 5 साल की एज के ही सारे लिखे हुए हैं, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आई गेस। या फिर इसमें भी आप एक बार ये देख सकते हैं कि टॉक अलॉट, ज़्यादा बच्चे इस उम्र में बोलते हैं, आस्क मैनी क्वेश्चन, वो आपकी इस एज में हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इजीली इन अगर इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई पूछा जाता है भाई ये वाली चीज़ किससे होगी, तो आप इजीली 3 से 5 यहाँ पर टिक कर देंगे। तो आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, बाकी एक बार आप ज़रूर इसको रीड कर लीजिएगा। अगला हम एक और देख लेते हैं यहाँ पर, अभी आ गया है आपका 5 से 6 वाली का, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं इसको आप ज़रूर देखें, ताकि आप एक 3 से 5 वाला और एक 5 से 6 वाला आप इसमें कंफ्यूज ना हो। बाकी अगर आपने एंटिटी ठीक से नहीं की है तो आप ये वाला सेक्शन भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाए, बच्चा भाई इस तरह से करे तो आगे आपको क्या उसमें केयर गिवर के रूप में क्या चीज़ें उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो चीज़ें भी, ठीक है। अब यहाँ पर है रिवील फीलिंग इन ड्रामेटिक प्ले, तो वो आपके कौन सी में करता है, ये 5 से 6 की एज में करता है। एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट थ्रू दियर सेंसेस एंड दे डिस्कवर द वर्ल्ड अराउंड देम, एक यह वाला है। एक आपका वॉन्ट रियल एडल्ट थिंग्स एंड हैव लॉन्गर अटेंशन स्पैन, वो आपका ज़्यादा अटेंशन एक चीज़ पर रख सकते हैं और ज़्यादा देर तक किसी पर ध्यान केंद्रित रख सकते हैं, वो आपका कौन सा एज है, 5 से 6 साल तक का, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान रखें। एक अगला आप ध्यान रखें, इनको आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे से याद कर सकते हैं, इनके नाम आप ज़रूर अच्छे से याद करें। तो इसमें प्ले कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 4 टाइप के यहाँ पर होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ प्ले। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस तरह से भी प्रश्न आपका आया हुआ है, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हालांकि इसी PDF में है इसलिए मैं फिर से यहाँ पर बता दे रही हूँ, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर कौन कौन से हैं, पहला है फंक्शनल प्ले, कंस्ट्रक्टिव प्ले, ड्रामेटिक या फिर उसको प्रिटेंड प्ले, और गेम विद रूल्स, ठीक है। ये 4 तरह के आपके प्ले हैं। तो इन 4 के आप नाम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, हाँ इसको बारे में मैंने डीपली पहले डिस्कस किया है, तो उसका वीडियो का लिंक मैं ज़रूर दे दूंगी। अब यहाँ पर हमने कुछ एक चीज़ें डिस्कस की है, तो उनको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, भाई क्या इस तरह से प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहले जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम ज़रूर यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके पिछले वर्षों में आए हुए हैं। अब यहाँ पर और भी चीज़ें जैसे है कि बच्चा जो है जो जन्म से 3 साल तक में जो उसमें चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट जो आपके डोमेन्स हैं, तो उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है, तो उनको एक एक बार आप पढ़ सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये आपकी इंग्लिश में ही ये सारा डेटा यहाँ पर रहेगा,
ठीक है, तो चलते हैं आपके पहले के प्रश्नों पे। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का 2019 वाला पेपर है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट आर द कॉग्निटिव फॉर्म ऑफ प्ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका फंक्शनल प्ले, सिंबॉलिक प्ले, कंस्ट्रक्शन प्ले, और फिर है आपका गेम विद रूल्स। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया पहला। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि ह्यूमन इन्फेंट्स कैन होल्ड एग्जैक्टली डैश आइटम्स इन विजुअल वर्किंग मेमोरी व्हेन मेकिंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिमिनेशंस एंड ह्यूमन एडल्ट्स एबल टू ट्रैक अप डैश आइटम बिफोर वर्किंग मेमोरी बिकम्स ओवर ओवरली टेक्स्ट। तो कौन सी जैसे एज यहाँ पर आपको बतानी है, तो पहली आपकी आ जाएगी 4 से 5 की जो आपकी इनकी स्टेज होती है, पहली तो ये है। तो यहाँ पर जिसका आंसर होगा वो आपका होगा सेकेंड ऑप्शन, जो कि हमने अभी इससे रिलेटेड भी किस तरह से बच्चा जो है चीज़ें होल्ड कर सकता है उसमें आप बिल्कुल इसको मैच कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पर 2 प्रश्न यहाँ पर देखे हैं, बाकी भी और भी प्रश्न यहाँ पर हैं कुछ एक चीज़ जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक पेपर मैंने कुछ एक प्रश्न आई थिंक 30 से 35 प्रश्न डिस्कस कर रखे हैं, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फाइन मोटर स्किल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन डज नॉट अप्लाई फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट ओवर 4 to 5 years। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो है कॉपी कर सकता है स्क्वायर शेप्स को 4 से 5 साल की एज में, यहाँ पर नहीं बोला है। तो बच्चा 4 से 5 की एज में जो है डायमंड की शेप जो है बिल्कुल ड्रॉ नहीं कर सकता है। इसके अलावा लाइंस को कट कर सकता है, तो ये चीज़ें जो है बच्चा 4 से 5 की एज में कर सकता है, लेकिन वो डायमंड की शेप नहीं बना सकता है। तो ये भी आप उसका रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके अलावा जो ये आपकी जैसे मैथ से रिलेटेड कि बच्चा ये एक सर्कल बना पाता है, कौन सी एज में बना पाता है, या फिर स्क्वायर कितनी एज में बना पाता है, इसको लेकर के भी नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगी, जो भी आपका ऑथेंटिक डेटा से होगा। ये आज देखी है वो हमने एकदम डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर एकदम बॉडी से रिलेटेड ही चीज़ें देखी हैं, लेकिन मेंटली चीज़ें हमने आज इस वीडियो में नहीं देखी है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से प्रश्न काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, मेरा इसमें बताने का यही सेंस था कि इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर ही आपका ECC बेस्ड या फिर उसी लेवल पे है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन वाला। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करनी है। कोई अलग से बुक आपको मार्केट में ऐसे नहीं मिलेगी जो आपको ऐसा डेटा दे, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर चीज़ें जो हम सही मिले उनको हमें सही करने के लिए ऑथेंटिक डेटा का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो उनमें से आप याद रखेंगे तो अगली कोई प्रश्न अगर गलत भी आ जाता है तो आपको उसको जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो कुछ एक प्रश्न थे जो कि हमने डिस्कस किए, तो बिल्कुल अपना जो है जो भी फीडबैक रहे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसको अच्छा से और कर सकें। सो थैंक यू, और बाकी वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। ये अगर PDF लेना चाहते हैं इससे पहले का, तो उसका भी लिंक दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी हो आपको इस PDF से रिलेटेड, तो आप एक टेलीग्राम का आपको ID और मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम जो चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।